ஸ்டார்ட்அப் தமிழ்நாடு வழங்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் திருவிழா ஆகஸ்ட் 19 மற்றும் 20 தேதி கோயம்புத்தூர் கொடிசியாவில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் துவங்கப்பட உள்ளது. For more details visit tnstartupfest.com. ஸ்ரீ கோரவ் கோகோய் ஜி, ஸ்ரீ கோரவ் கோகோய் ஜி, கோரவ் கோகோய் ஜி. அப்ப மே ஸ்ரீ கோகர் கோவை தாரா பிரஸ்தூத் प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा. प्रश्न ये कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है. जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ. आज की चर्चा के अंदर माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी और वीरेंद्र मस्ती जी का व्यवहार सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं रहा. मैं वीरेंद्र मस्ती जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं कभी भी सदन के सम्मान को ध्यान रखता हूं, आपके अध्यक्ष पीठ का भी ध्यान रखता हूं. जो भी और जिस भी व्यवहार से सदन का कार्रवाई से वो हमने इतना ही हुआ है कि मैं उसके लिए आपसे आपके अध्यक्ष पीठ से क्षमा चाहता हूं. हम अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं. संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ. सर, मैंने उसी टाइम मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज सर, द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी सर, एवरी टाइम वेन एवर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, वेन एवर अदर मिनिस्टर स्पीक्स, वेन एवर दे रिप्लाई, वेन एवर देर इज अ डिबेट, एवरी टाइम डेलिबरेटली ही ट्राइज टू डिस्टर्ब सर. ए हैबिचुअल हो गया सर, इट हैज बिकम ए हैबिचुअल एंड इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्टी इन दिस हाउस सर, इन द अपोजिशन. इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, रिपीटेड वार्निंग फ्रॉम द चेयर ऑल्सो, ही हैज नॉट इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ऑलवेज इन हिज डिबेट He make the baseless charges and देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर. तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते. उसी टाइम हमने डिमांड किया आपने क्षमा प्रार्थना करो. कल जब गृहमंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया, हर समय ऐसे व्यवहार करते हैं. इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, दैट दिस हाउस हैविंग टेकन द सीरियस नोट ऑफ द ग्रॉस डेलिबरेट एंड रिपीटेड मिसकंडक्ट ऑफ श्री अधीर रंजन चौधरी इन अटर डिसरिगार्ड टू द हाउस एंड द अथॉरिटी ऑफ चेयर, रिजॉल्व दैट द मैटर ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ श्री अधीर रंजन चौधरी be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. மத்திய அரசு மீது எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிலளித்தார். அதில் குறிப்பாக ஊழல் செய்த எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துள்ளன என்று கூறினார். ஊழல் இல்லாத இந்தியாவை நாங்கள் உருவாக்கி கொடுத்துள்ளோம் என்றும் கூறியுள்ளார். 2024 தேர்தலில் பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று
மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார். காங்கிரசிடம் தெளிவான தேர்தல் வியூகம் இல்லை, தொலைநோக்கு சிந்தனை கொண்ட தலைவர்களும் இல்லை என்று அவர் கூறியுள்ளார். 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீது பிரதமர் பேசினார். மணிப்பூர் பற்றி பேச எதிர்க்கட்சிகள் முழக்கங்களை எழுப்பி வெளிநடப்பு செய்த பிறகு மணிப்பூர் பற்றி அவர் பேச தொடங்கினார். மணிப்பூரில் அமைதி திரும்ப அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அமித்ஷா மேற்கொண்டார் என்று கூறினார். மணிப்பூருடன் நாம் அனைவரும் நிற்கிறோம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். மணிப்பூரில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதே எங்களின் தலையாய பணி என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். 2047 இந்தியா வளர்ந்த நாடாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு வழங்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா ஆகஸ்ட் 19 மற்றும் 20 தேதி கோயம்புத்தூர் கொடிசியாவில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் துவங்கப்பட உள்ளது. For more details visit tnstartupfest.com.